पूर्णिया के भट्टा बाजार हरसा होटल के समीप कारला शुक्ला नाम से इंस्टीट्यूट खोला गया है, जिसका उद्घाटन जदयू विधायक सह पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। इस दरमियान डॉक्टर सीएम सिंह समेत कई गणमान्य शख्स भी मौजूद थे। उद्घाटन के अवसर पर मंत्री नरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना आज बच्चों को काफ़ी आवश्यक हो गया है और तभी हम शिक्षा के मूल रूप तक पहुंच सकेंगे। आप मंच के पास आ गए और आप देखिए, डॉक्टर कारला शुक्ला क्लासेस यहाँ से पढ़ाई की शुरुआत शुरू हुई है और पूर्णिया विद्वानों की धरती है, जिसकी चर्चा मैंने अपने अभिभाषण में की थी। और इस संस्थान के खुल जाने से निश्चित रूप से जो यहाँ छात्र छात्राएं अध्ययन करने आएंगी, अच्छे माहौल में एक सुंदर शिक्षा पद्धति में उन्हें पढ़ने का वक्त मिलेगा। और पहले भी डॉक्टर मिथिलेश कुमार साहिल के डायरेक्टर रहे हैं, अनेक शहरों में इन्होंने संस्थान खोला है और उसमें जो भी छात्र छात्राएं वहां से अध्ययन प्राप्त किए हैं उनको अनेक जगह पर सफलताएं मिली हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं यही आशा रखता हूं इस संस्थान के खुलने से पूरे पूर्णिया प्रमंडल में एक शैक्षणिक माहौल बनेगा और बड़े पैमाने पर चाहे इंजीनियरिंग का कोर्स हो, मेडिकल का कोर्स हो या अन्य कोर्स हो, उसमें छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस दरमियान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा कि कोटा जैसी उच्च संस्थान में लोग बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, किंतु उनकी इच्छा रही है कि कोटा जैसी शिक्षण पद्धति को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाए, इसीलिए उन्होंने वेल क्वालिफाइड शिक्षकों को यहां लाकर पढ़ाई प्रारंभ करवाई है। मैं बताऊं कि कालरा शुक्ला क्लासेस मुंबई का एक नंबर वन ब्रांड है और मुंबई आप कह सकते हैं कि पूरे भारत का सबसे स्टाइलिश शहर है, इसलिए वहाँ पे ब्रांड बनना एक अपने आप में अनूठी बात होती है। सबसे पहले तो यहाँ का जो सिस्टम है वो सारे वाईफाई से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे अटेंडेंस भी बच्चों का डायरेक्ट बनता है और वो नेट पे के थ्रू मुंबई चला जाता है। टीचर्स का ऐसे अटेंडेंस, कैमरा लगे होते हैं सारे कमरों में और सबसे बड़ी बात कि टीचर यहाँ जो भी रखे जाते हैं उनको काफ़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहले टीचर का टेस्ट होता है, फिर टीचर के साथ डेमो क्लास होता है, फिर बच्चों के साथ डेमो होता है। जब तीनों को वो पार करते हैं और तब वो यहाँ के लिए पढ़ाने के लिए सक्षम हो पाते हैं और सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड और कहीं ना कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट के पढ़ाए हुए टीचर्स होते हैं, ब्रांडेड के कॉरपोरेट के पढ़ाए हुए टीचर्स होते हैं। हमारा मटेरियल काफ़ी रिच होता है, मटेरियल तीन वैरायटी का देना, एक थियोरी के साथ क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन बैंक होता है, एक रैंक को इन्हांस करने वाला एक अलग बुक होता है, बुक होती है। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट होते हैं, पैटर्न टेस्ट होते हैं, बोर्ड का भी हम उतना ही ख्याल रखते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ टीचर्स परमानेंट होते हैं, कोई भी पार्ट टाइम टीचर्स नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में ढेर सारे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट आ गए हैं, जैसे आजकल कोटा का बहुत हो गया था होर,
कोटा भी यहाँ से बच्चे जाते हैं, तो जब यहाँ से बच्चे कोटा जाकर पढ़ते थे तो उसके खर्च को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कोटा ही पूर्णिया में आ जाए। कालरा शुक्ला क्लासेस का कोटा में भी एक ब्रांच है, तो कोटा को ही हम पूर्णिया में ले जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ जाएं यहाँ से जो, और यहाँ इसका मतलब है कि सारे कॉरपोरेट की नज़र सुदूर देहाती क्षेत्र पे आया है, इससे देहात को विकसित होने का मौका मिलेगा।